एक्चुअली हमारा ये फैमिली बिजनेस है। मेरा नाम है मोहम्मद उमर कुमार, हम इजबरन शाह श्रीनगर में रहते हैं। ये पोल्ट्री का काम हमारा फैमिली बिजनेस है। मेरा ग्रैंडफादर भी यही काम करता है, फादर भी, उसका फादर भी यही काम करता था। क्योंकि इधर कश्मीर में आर्ट तो कम होते था, पोल्ट्री का आर्ट कम होता था दिन ब दिन। मैंने सोचा क्यों ना अपने ही फैमिली को, जो अपना फैमिली का आर्ट है, इसी को आगे लाए कश्मीर में, जो आर्ट ख़त्म होने वाला है इसी के ऊपर काम करे और इस आर्ट को ज़िंदा करे कश्मीर में जैसे पहले था। एक्चुअली मैंने बीकॉम किया है और 8 साल से मैं इस काम में लगा हूँ। क्योंकि मैं पढ़ाई भी करता और आर्ट के साथ इसके साथ भी काम करता था, और अपने फादर से ही मैंने ये जी, काम भी। जो कुछ साल पहले हमारे पास ऑर्डर्स नहीं आते हैं, 2021 से 1200-1300 का ऑर्डर आया था। 2022 में हमारे पास 15-15,000 ड्यू का ऑर्डर है। इस बार हमने एक्सपेक्ट किया है 20,000 के प्लस जाएगा इस बार ऑर्डर। 12,000 तो सेल हो गए, अभी 8,000 और बाकी है, वो भी दिवाली तक मेरे सेल हो को गए। मशीन की ज़रूरत थी मगर गवर्नमेंट अभी एफर्ट नहीं, उन्होंने मुझे अभी तक नहीं दिया। क्योंकि मुझे जो दिया होता है इसके लिए मुझे एक भट्टी तैयार करनी पड़े, उसके बाद ऑर्डर्स कंप्लीट होता है। अगर गवर्नमेंट की तरफ से मेरे को तो इलेक्ट्रिक भट्टी मिल जाएगी तो जिसका ऑर्डर जल्दी, अगर किसी ने जल्दी ऑर्डर है वो जल्दी पूरा होगा। मगर गवर्नमेंट थोड़ी बहुत इसके ऊपर काम नहीं करते। एक चीज़ जो हैंडीक्राफ्ट डिपार्टमेंट है, हैंडलूम, वो इसके ऊपर काम करती है। पिछले 2 साल पहले कारखानदार स्कीम आई थी, उसमें से मैंने 10 बंदों को और को ट्रेन किया, वो अपना रोज़गार खुद कमाते हैं अब। ये मिट्टी जो हमको बड़गाम से लानी पड़ती है क्योंकि ये अलग मिट्टी होती है, इसका सॉफ्टनेस मॉइस्चर बहुत अच्छा होता है। क्योंकि इसको सुखाना पड़ता है, उसके बाद इसको तोड़ना पड़ता है, फिर छानी करना पड़ता है, उसके बाद पानी मिक्स करना पड़ता है, हाथों से तैयार करना पड़ता है। जब तक इसका मॉइस्चर अच्छा नहीं आएगा तब से हाथ से इसको तैयार करना पड़ता है, उसके बाद इसके ऊपर काम होता है। क्योंकि दियो का काम होता है इसके ऊपर, हमको मिट्टी के ऊपर बहुत काम करना पड़ता है क्योंकि दिया अच्छा बनना चाहिए। क्योंकि कस्टमर उसको बहुत खुशी होती है जब दिया अच्छा मतलब हो। 12-13 से प्लास्टिक का आइटम ज़्यादा आया था इधर इंडिया में, आया था प्लास्टिक का आइटम ज़्यादा। पोल्ट्री का आर्ट दिन ब दिन ख़त्म हो गया था क्योंकि इधर इधर लोगों को पता नहीं था प्लास्टिक का साइड इफेक्ट है। जब बीमारी ज़्यादा हुई, लोगों ने देखा हम क्या खाते हैं, वो प्लास्टिक में खाते थे, केमिकल साथ खाते थे वो, उससे हमारा आर्ट आर्ट की डिमांड कम हो गई थी। जब लोगों ने देखा जो प्लास्टिक है उससे बीमारियां होती है, तो तब से हमारा आर्ट बहुत अच्छा चलता है। क्योंकि अब हमारी डिमांड बहुत अच्छी है, जिसमें जग जो होता है वो प्लास्टिक का होता है, अब हमने पोल्ट्री का बनाया, उसकी डिमांड ठीक है। क्योंकि ये प्लास्टिक, मेरा गोल यही है क्योंकि 4-5 साल में प्लास्टिक ख़त्म होने चाहिए और प्लास्टिक जगह पोल्ट्री का आइटम होना चाहिए इधर कश्मीर में, अब ऑल ओवर इंडिया में सारे लोग प्लास्टिक को छोड़कर पोल्ट्री का इस्तेमाल ज़्यादा कीजिए, क्योंकि इससे बीमारी भी कम होती है। फिर मैं पोल्ट्री का काम बहुत करते थे क्योंकि जब इसकी डिमांड कम हो गई थी लोगों ने, बहुत सारों ने छोड़ा। अब इसकी डिमांड ठीक है क्योंकि अब मैन्युफैक्चर इधर कम होता है, डिमांड अच्छी है। मैं ऑनलाइन भी नहीं कर सकती क्योंकि मेरे को उतना टाइम नहीं मिलता है। क्योंकि अगर ऑर्डर्स बाहर से भी आएंगे, इधर मैन्युफैक्चर अभी कम होता है पोल्ट्री का, आगे आगे 2-3 साल तक पूरा हो जाएगा, ऑनलाइन भी हम फिर सेल कर सकते हैं। ये एक्चुअली दिया है, इसमें थोड़ा सा डिजाइन मास्टर आर्ट है। इसको अलग अलग तरह से, इधर अगरबत्ती लगती है, इधर दिया जलेगा, खुशबू भी आएगी, दिया भी जलेगा। ये मास्टर पीस है, ये दोनों सेल हो गए जी। ये सेल हो गए, कल ही सेल हो गए, उनके ऊपर पेंट करना था, आज आज शाम तक वो ये ले जाएगी उधर।